वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार कैसे जमीन के चलते छोटू के पिता और मन्नू को कुछ लोगों ने जमकर पीटा है, जिसके बाद दोस्तों मन्नू और उसके पिता की हालत खराब हो गई है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों, जहाँ आरती के ऊपर पहले से ही कई सारी परेशानियाँ थी, तो वहीं आरती एक बार फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि अब मन्नू और मन्नू के पिता को भी एक बार फिर से कुछ लोगों ने पीट दिया है। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह की हरकतें इस टाइम पर आरती के घर वालों के साथ की जा रही है, छोटू के पिता और मन्नू के साथ की जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जहां आरती की फैमिली जो है पूरी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो वहीं अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि आरती की फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। दरअसल मन्नू और छोटू की फैमिली, उसके फादर को जमकर पीटा गया है। दोस्तों आपको बता दें, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसको लेकर आरती जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और तो और जो आरती है वो पुलिस वालों के पास भी पहुंच सकती है, क्योंकि आरती पिछले कुछ समय से ये सब कुछ देखकर ऑलरेडी परेशान थी, और अब एक बार फिर से आरती के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बाद आरती सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे आरती से कोई भी अब खुश ही नहीं है, सभी लोग आरती से नफरत करते हैं। शायद इसी वजह से छोटू और उसके फादर को, मन्नू को निशाना बनाया जा रहा है। जहां पहले आरती से छोटू को छीन लिया गया, तो वहीं अब मन्नू और उसके फादर पर ये हमला काफ़ी कुछ दिखाता है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीमा की, भारत में एंट्री को लेकर हुआ है बड़ा एक्शन। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के 2 जवानों को कर दिया गया सस्पेंड। जी हां, नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी के एक इंस्पेक्टर और एक जवान को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर कर्तव्य में लापरवाही दिखाने को लेकर एक्शन लिया गया है। जांच में एसएसबी ने दोनों को दोषी पाया था। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ इसी रास्ते से नेपाल बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल हुई थी और फिर ग्रेटर नोएडा भी पहुँची थी। एजेंसी की खबर के मुताबिक सशस्त्र सीमा बल की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि 13 मई को उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले सिद्धार्थनगर में यात्री वाहन की जांच इन्हीं दोनों के द्वारा की गई थी, जिसमें सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सवार थी। सूत्रों के मुताबिक एसएसबी इंस्पेक्टर और जवान को सीमा हैदर मामले की पूरी जांच होने तक निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ पूर्ण अदालती जांच प्रक्रिया भी शुरू होगी और उस दिन ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मियों की भूमिका के अलावा घटना के उन सभी पहलुओं की भी अब जाँच की जाएगी जो शुरुआती जाँच के दौरान शामिल नहीं थे। तो साफ है कि सीमा हैदर की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ सीमा हैदर का जिन लोगों ने साथ दिया है उनकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।